2002 में वो बच्चे मार की थी एक्सीडेंट में, उसमें हमारे दो बच्चे और एक बेटी थी, एक हमारी माँ थी, चार आदमी मारे गए एक्सीडेंट में। तो उससे बाद फिर मारा एक ही बच्चा, तो उससे बाद में फिर एक और हो गया, दो बच्चे हो गए। तो बेटी कोई नहीं थी, मैंने बहन को बोला ये छोटी बेटी हमको दे दो, उन्होंने दे दी, 6 महीने की थी उस वक्त। तो वो हमने गोद में ले ली, छोटी सी बच्ची थी, 8वें में लगी थी, अजन ये दूध का दान नहीं गिराया था। क्या वो भी चलेगी? आप हम कैसा जीना, क्या हमारे पर जीना आराम हो गया। हम शर्मिंदा है, तेरे काफी जिंदा है, हम शर्मिंदा है, तेरे काफी जिंदा है। बहुत होशियार थी और बहुत चालाक थी, तेज़ बहुत थी, बात करने में बहुत तेज़ थी वो, वो डरने वाली नहीं थी, दिलवर भी बहुत थी। तो किसी से मतलब या इंसान से वो डरती नहीं थी, जहाँ भी जाती थी कोई भी मतलब कोई भी इंसान उसको कोई चीज़ देता था बिल्कुल डरने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो शरारत तो करती रहती थी, अगर इसी तरह खाने पीने में बाजार में कोई गया था उसके लिए कुछ नहीं लाया था, बस वो शरारत करती थी, बोलती थी ना दियो जिधर से मर्जी दियो ला के दियो। सलवार कमीज और वो होता है ना एक खुला वो घेरा होता है वो पहनना उसको अच्छा लगता था, और ये जूती जो होती है ये खड़ाई वाली जूती होती है वो पहनना उसको अच्छा लगता था। और कपड़े को वो शौक करती थी, बूट को शौक करती थी, बोलती थी ये जूती हमको अच्छी अच्छी ले के दियो, अच्छे अच्छे बनियान ले कर दियो, अभी कौन मंगेगा शरारत कौन करेगा। मुझे बोलती जी काकू जी हम थोड़ी अभी हम ठीक होगी, हम आपको खाना बना कर देंगी, हम आपको चाय बना कर देंगी, हम आपको बिस्तरा बना कर देंगी, और हम ये घोड़ों को पानी पिला कर लाऊंगी, और ये हमारे छोटे छोटे बकरी के बच्चे इनको संभालेंगी, रात को अंदर बंद करेंगी, सुबह नकारूंगी, ये बहुत बड़ा काम करती। ज़्यादातर तो उसको स्कूल के नहीं माल के पीछे उसका ध्यान था। हाँ सब बोलती थी हम रोटी बनाएंगी, हम फुलका बनाएंगी, अभी अभी भी बनाती थी फुलका, आटा थोड़ा थोड़ा गुन लेती थी, सब बातें बोलती थी। दो दिन जिस दिन वो चलती है उसके दो दिन आगे हम उठती थी नमाज पढ़ने को, वो हमारे साथ उठ जाती थी, आग गिराती थी, बस वो रोटी बनाने की बहुत शौक करती थी। जिस दिन वो चले जाती है उस दिन नहीं उठी, वो सो गई सुबह कुछ 7 बजे थी, उसे लड़के ने बोली आज आपने नहीं की आग नहीं जलाई, इसके साथ वो आसन लग गए थे, बस वो उधर ही खड़ी होगी, तो मैं बोला आ जा हूँ छोटी है नहीं उठ सकती, बस उसी दिन वो चल फिर नहीं नजर आई, फिर हमको नहीं नजर आई। तो बच्ची हमारी डेयरी पर होती थी, किसी टाइम उधर पानी है ट्यूबवेल पर, वो घोड़े छोड़े हमारे चले जाते थे, उनको वापस लेने को जाती रहती थी हर दिन, वो नहीं इसी दिन हर रोज पर जाती थी। तो उधर वहाँ हमारे बकरवालों को कुछ बच्चे शच्चे भी होते, वो भी खेलते खेलते उनके साथ खेलती रहती दिन को, और शाम को वो चार पाँच बजे वापस घर को आ जाती थी। आगे भी चलती थी, हमको क्या फिक्र था जी उस आगे यार ऐसा आस्था होता था, हम बोलते हैं अरे नहीं जाना नहीं, हम पानी को गई थी ना तो वापस आई तो वो चलती थी, मैं बोला उसको नीचे नहीं जाना, उसने बोला हम जाएंगे, दो घोड़ा था वो लेके चले गई। जी 10 तारीख की बात है, तो 10 तारीख को वो गायब होगी, फिर उस शाम को वापस घर पर नहीं आई, हमने कोई 4 बजे उसका निकाला, अरे लड़की वापस नहीं आई कि कहाँ गई, 1 बजे वापस आ जाती थी, 2 बजे भी वापस आती थी कभी कभी, फिर हम उससे इससे आगे पीछे इस दे रहे थे उसके ऊपर तलाश करना लग गए, अरे आई नहीं लड़की उधर इधर पूछा किसी ने नहीं पता चलाया, फिर रात के 11 बज गया हमको ऐसे ढूंढते ढूंढते। तो फिर हमने रात बहुत बड़ी पूछताछ की इधर ढूंढी छूरी, आपने उधर हम पड़ोसी जो भी बकरवाल थे उनके साथ ढूंढी तो कोई पता नहीं चला। फिर सुबह हम बिल्कुल अंधेरे में गिर रहे, किसी घोड़े ने मारी होगी या पता नहीं किसी जगह में गिर गई होगी, तो हमने बहुत ढूंढी कुछ नहीं मिला हमको। उन्होंने बोला बच्ची दूसरे दिन में ये बच्ची गुम होगी, आप ले गए, मैं क्या हम कैसे लेंगे, हम तो हम सामने सामने ले जानी थी, छुप कर तो नहीं ले जानी थी,
हम भी परेशान होगी, कैसे गुम होगी, कहाँ किसी के घर में चली गई, क्या हो गया? उधर घर शहर तो डेरे शेरे तो हैं, उनको तो पूछो ना कहे क्या हो गया, किससे कैसे गुम होगी। फिर आखिर डेरे शेरे में नहीं है, जाओ उधर गाँव शाँव गाँव है तो गाँव के तरफ पे गाँव वाले ने वो गाँव में पूछने का सुना था, गाँव वाले ऐसा करते नहीं है। उसके बाद 11 तारीख में मैंने फिर पुलिस में रिपोर्ट दी, अरे हमारी सी बच्ची गुम होगी, तो इसकी को पूछताछ कुछ करिए। तो पुलिस वाले दो आए हमारे साथ वहाँ गांव के कर, तो उससे वापस चले गए। हम उधर ही थे ढूंढते जब पुलिस वाले आ गए, फिर उसने बोला हमको बोला उसने जी आपने कहाँ कहाँ देखा, हमने कहा सारे ये झाड़ियाँ छाड़ियाँ ढूंढ थी आप देखो। उसने भी उधर फिरा शिरा दे, वो जो दीपू फंसा है वो भी उधर ही था, तो वो तिलक भी तिलक उस टाइम आया था उसके साथ उन पुलिस वाले को। उसने बोला वालदार है ना वो, उसने बोला आपने कहाँ ढूंढे, वो हम जानते भी थे उससे गांव के थे वो। हमने बोला इसमें हमने सारे को छान किया, इधर नहीं मिला लड़की, किसी ने मारी किसी ने फेंकी भी नहीं मिली। तो फिर वो चले गए, हम भी घर को मुड़ आए शाम पे गई। 12 तारीख में खासे हमारी भी बहुत सारी दुनिया कट जमा हुई, 50-60 आदमी और पुलिस वाले भी थे, तो हमने वो झाड़ियाँ जुड़ियाँ जो भी थे सब ढूंढी, तो कुछ नहीं मिली उसमें। उसी सुबह हम गए को 6 बजे गए उधर गए, तो वो मंदिर में थे कौन वो जो सांझ आज उधर रुका, वो उधर मंदिर में थे। मैं उसको बोला वहाँ बोलो बाहर से हम जिस दरवाजे में गई, तो वो बोलने लगा जी आप क्यों आया इधर, हमने बोला ऐसे ही आ गया, आपने घोड़ा इधर लाया, मैं कह नहीं मेरा घोड़ा है ही नहीं, हम लड़की को ढूंढते हैं हमारी लड़की गुम हो गई है। वो बोलो लगा नहीं इधर लड़की तो नहीं आई, मैं अंदर चलेगी सीधी बूट खोले अंदर चलेगी मंदिर में। फिर उधर बैठ गई मैं रोने लग गई, आखिर आप क्यों रोते हैं, आपकी लड़की कहाँ ही नहीं गई, आपकी लड़की किसी के डेरे पर है उधर रोटी खा रही है रज के, टेंशन नहीं लियो चलो मुड़ के घर को। हम चले गए मुड़ के, फिर एक दिन वो उधर सड़क में मिला हमारे घर वाले ने, उसको बोलने लगा आपको मिली लड़की, इसका नाम ले गए इसका लड़की मिली था, कहाँ मिली, हम मिलती था हम थोड़े ढूंढते थे। फिर उसके बाद पुलिस वाले तो को आया नहीं, तो हम लोग तो ढूंढते रहे तो कुछ मिली। फिर उसमें 17 तारीख में मतलब उसकी बाड़ी मिली, वो भी वहाँ का एक लोकल आदमी है डोडा का, उसका नाम है जगदीश, वो वहाँ बेटे चलाते थे, तो उसकी उसको डेड बॉडी उसमें मिली। फिर उसने मुझे पता किया, मैंने फिर थाने में रिपोर्ट किया, बात की बहुत सारी दुनिया को फिर पता लग गया। उसका मुंह उसका चेहरा कुछ हिलात नहीं थी, ऐसे 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 खून ही खून था मुँह में, इधर से खून ही खून था, ये हाथ इतने इतने पूरे जलाए थे, इधर इधर ऐसे जीभ बाहर थी निकली, जीभ इतनी इतनी बाहर थी, ये बोलते हैं ये दांत भी दो टूटे हुए थे और मिट्टी मुंह में पूरी मिट्टी थी डाली मुंह के बीच, इधर भी मिट्टी थी पूरे, इसमें बहुत बहुत अजाब से मारी है, बहुत बहुत इतना अजाब दिता उस बच्ची छोटी की, इतना किसी को भी नहीं दिया, अपनी आई से मर जाती हमको कोई अफसोस नहीं था जितना जो उसको अजाब दिया। वो तो अफसोस लगते हैं जनाब, वो 7 दिन हमारे से गायब रही, हम ढूंढते रहे बहुत मुसीबत में रहे, फिर 7 दिन के बाद उसकी लाश मिली, तो 7 दिन तो हम बहुत मुश्किल में रहे, पता नहीं वो किस अजाब में रखी होगी और किस बेहोशी को उसको टीके लगाते रहे, पता नहीं उसको खाना भी दिया होगा या नहीं दिया होगा, पता नहीं किस अजाब में रही। तो वो इसी डांट हो जाता है जागदम आदमी मार जाता है, उसकी इतनी मतलब आदमी को नहीं होती, क्यों तो बहुत जुल्म हो गया इसके साथ। वो कट्ठू आ गई बड़ी जो डॉक्टर यानी आई, उसने ऐसे काम की पगड़ा जी इतनी बेस तरीके से वे ये लड़की का सांस निकाला। फिर होते होते तो एक 200 आदमी जमा हो गए, तो फिर उसके बाद में वो कुठुए ले गए, उसकी पोस्टमार्टम हुई डॉक्टरी हुई, उसके बाद में फिर वापस हमने लाए वो 4-5 बजे। फिर उसके बाद हमने प्रेस्टेशन भी किया उधर रोड पर 2-3 घंटे। उसके बाद में उधर हमारी एक जमीन उसमें पहले भी 2-3 कब्रें थी, तो वहां लोगों ने दफन करने नहीं दी हमारी जाति, वो एक रखा था हमने
कब्रस्तान जो है ना महाराज आती उधर ही हम बुझे हुई मर जाएगा हम इतनी दफनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दफना दिया। जब कब्र खोदने लगे तो वो दूसरी पार्टी ने एतराज़ कर दिया कि यहाँ पे कब्र नहीं निकाले। हमने उनको बोला कि यार यहाँ पे पहले ही दो तीन कब्रें हैं, इसको भी दफनाने दीजिए। ये फिर उसको बुलाया जिसकी वो ज़मीन थी, हमने बोला ये आपने ज़मीन ली है, बोलता हाँ, कोई कागज़ है आपके पास, बोलता हाँ, पैसे इनको दे दिए, बोलता 15 साल हो गए दे दिए। फिर उनको बोला, हमने बोला हमारे बाप ने बेची, हमने बेची ये ज़मीन, हमने दिया था रहने बहने के लिए, या आपने कब्रस्तान बना रहे रखा है, बिल्कुल ख़त्म करेंगे, बिल्कुल उसको ले जाओ कहीं आगे पीछे। बोलने लगे आप ले जाओ, आपके कब्रस्तान है वहाँ पे ले जाओ इसको। बोला ठीक है, अगर आप त्रास करते हो हम ले जाएंगे। फिर हम आ गए यहाँ पे अपने कब्रस्तान में, यहाँ पे कब्र उसकी खोदी। अगे तीन बंदे उत्थे दबे थे, इन कब्रस्तान उत्थे बने आंदा था। उस दिन वो कुड़ी नहीं दफना दीती पेंड वाले ने, उसी वक्त वो फिर रात 9 बजे इतने पुजी है। पुलिस वाले ने असें आखिया जल्दी इसी दफनाओ, असी वो पानी तो काट के दफना छुड़ी। वो उधर तो हमारी जो जमीन है और मकान है, हम कौन इतना यकीन नहीं उस गांव में जाने का कि दो बच्चा है हमको, हम उसका भी उसको उधर आगे पीछे नहीं भेज सकते। जब एक मार गया तो दूसरे डर के बेचारे वे थोड़े जाते, डर से नहीं जाते थे, हमको को मार देगा या फेंक देगा या कुछ भी हो जाएगा हमारे साथ, क्या पता क्या करेंगे। हालात ठीक हुई हम उधर जा सकते हैं, ये बारे नहीं, हम नहीं उधर जा सकते। लेट चलते थोड़ी 10-15 दिन लेट चलते सर, थोड़ी 10-15 दिन जल्दी निकल गई। कोई आदमी वहाँ छोड़ कर जाते थे उसकी रखवाली, वो उसको इधर उधर उसमें फंसे से लगाते थे। इस साल बिल्कुल वो ऐसे बंद कर हम यहाँ चले गए, तो इस साल वहाँ कोई भी नहीं बैठा, इसी डर से नहीं बैठा कोई भी, हम ताली लगा कर। अभी शीशा को उठाएंगे दूसरे बार, और किसी की डेरे वाले की उठाएंगे, फिर और किसी की उठाएंगे, ऐसे इनके इसको इनको डरा के इसको भगा ही देंगे इधर से। किसे साथ बंदे साथ करना था, या किसी घोड़े का नुकसान करना था, बकरी का नुकसान करना था, बेटी बेटी की क्या बना है। इस बात में हम भी हैरान, इस बात में बहुत परेशान। बच्चा एक रोल होती है, खेड होती है, जिस घर में बच्चा नहीं उसमें क्या है, कख नहीं। बच्चे के साथ कितना आदमी का दिल पूरे परे हो जाता है, वो खेलता देखता है, हंसता देखता है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है, उसके साथ आदमी का दिल खुश रहता है। अभी ऐसा अंदर मारा जलता रहता है, उसके पास दिल ख्याल उसी के पास रहता है, बच्चे के पास वो भूलता नहीं है, आँखों से नहीं भूलता। हमको तो बहुत टेंशन ही है बस, बहुत। पहले अभी 3 बच्चे चले गए, पीछे से एक वो बच्ची चली गई, हमारे पर तो वो 5 मौत हो गई ऐसे। हम हमारे अंदर क्या पता उसको ही होगा। डेरे पर जाते हैं तो वो याद आती रहती है, जहाँ वो सोती थी वो जगह जैसे नजर आती है, तहाँ भी याद आती है, उसके जूते नजर आते हैं तहाँ भी याद आती है, कपड़े देखते हैं तहाँ भी याद आती है। ऐसे घड़ी घड़ी आती है, दिल में आती रहती है, और क्या। खाने के वक्त भी याद आ जाती है, सोते तब भी याद आती है, जिधर जिधर डेरा लगाते थे, जिधर जिधर चलते थे, वो उस जगह पर वो नजर आती रहती है, दिल में आती रहती है। उधर से आए थे तो 5 आदमी थे, इधर से गए तो 4 ही थे, ऐसे तो आई है। हम तो यही बोलते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। अल्लाह ही पर भरोसा है, और कहाँ किस पर भरोसा रखें।